तो भाई लोगों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। ऐसा करता हूँ भाई आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी जिंदगी में मजे ले रहे होंगे। तो फिलहाल अपने जो लास्ट वीडियो था ना इस गाड़ी के बारे में, जिसमें मैंने बताया थी भाई आपको इस गाड़ी की सबसे पांच बड़ी जो खूबियाँ है इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी अपन को देती है। अगर आप ये गाड़ी लेते हो या फिर आपके पास ये गाड़ी है, तो आपको ये सबसे बढ़िया जो पांच चीज़ें हैं ना इसकी, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, जिस भाई ने देखा था उनको पता है। तो अब भाई इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको कमियां। देखो ऐसा तो है नहीं भाई कि हर एक गाड़ी परफेक्ट होती, कमी किसी में नहीं होती। तो इसमें भी भाई कुछ कमियाँ हैं जो मैंने देखी है जब से मैंने ये गाड़ी ली है। तो फिलहाल भाई सबसे पहले अपन बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। इसका जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, अगर आप भाई घूमना फिरना पसंद करते हो एंड आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, आपके पास बहुत सारा लगेज रहता है, सामान लेके भाई आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, तो उसमें आपको भाई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो भाई इसका बूट स्पेस, ये अपनी पार्सल ट्रे है एंड ये अपनी बेस ट्यूब है, ठीक है। इसको तो भाई ये बेस ट्यूब देख लो भाई, मैं हटा देता हूँ इसको। ये रखने के बाद इसमें भाई कुछ भी स्पेस नहीं बचता, ठीक है। अब इस साइड देख लो आप या फिर इस साइड, ये 12 इंच का जो बेस ट्यूब है ना अपना, ये पूरा स्पेस कवर लेता है, कवर कर लेता है। जो इसका कैपेसिटी है कि वो भाई अपन को 170 लीटर समथिंग मिलती है, ठीक है। अब भाई 170 लीटर में आप क्या ही अपना सामान रख लोगे, हद से ज़्यादा दो या तीन बैग रख लो, रख सकते हो आप मीडियम साइज़ के, ठीक है। उससे ज़्यादा अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिलती है, उसके ऊपर आप भाई छोटे छोटे बैग रख सकते हो। बाकी भाई इतना जो भी है ना इसका स्पेस का, वो इतना ही है, ठीक है, जो इसकी सबसे बड़ी पहली कमी है ये। उसके बाद अपन बात करें भाई, ये है अपना टॉप वेरिएंट, ठीक है, बीट एलटी, जैसे कि आप देख रहे हो। इससे ऊपर भाई नहीं आता फिलहाल, तो नहीं आता। इससे जो पहली जनरेशन थी ना 2014 से पहले, उसमें शायद आते थे। अब इसका भाई ये देखो, यहाँ पे आपको कोई भी गाड़ी लोगे ना टॉप मॉडल में, वहाँ पे आपको भाई आराम से एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बट इसमें भाई आपको मिलते स्टील वाले, ठीक है। अब इसमें होता क्या भाई, अभी रिसेंटली भाई अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, उस टाइम ये गाड़ी का जो व्हील है ना भाई पूरा ही बैंड हो गया था। मैं एक अटैच करके बता दूंगा, मतलब ये वाला स्टील वाला भाई बैंड हो गया था, मतलब ऐसे समझो कि वो पूरा टूट गया था, ठीक है। तो भाई अगर एलॉय व्हील हो तो भाई ये गाड़ी का जो लुक है ना और भी ज़्यादा अच्छा आपको निखर के आता है। ये हो गया भाई इसकी दूसरी कमी, ठीक है। उसके बाद जो हर एक सेवरले का भाई ओनर है ना, मालिक इस कंपनी की गाड़ी का, उसको सबको दिक्कत होती है इसकी पार्ट्स वाली। अब मैंने इसमें बहुत से चेंज करवाए, हालांकि मैंने एक कांच चेंज करवाया था, ये साइड वाला मिरर, ये इसकी हेडलाइट, ये भी चेंज्ड है, एंड जो ये वाली हेडलाइट है ना दोनों चेंज्ड है। उसके बाद जो अपना ये बम्पर वगैरह अगर टूट जाए ना, ये यहाँ से लेकर आपका जो भी फ्रंट बम्पर है ये अगर टूट जाए भाई, आपको इसमें अब नया मिल जाएगा, बट ब्लैक कलर का मिलेगा। इससे जो बॉडी कलर है ना वैसा आपको मिलने वाला नहीं है, ब्लैक कलर का मिलेगा। उसके बाद मैंने ये चेंज करवाया था इसका फ्रंट शीशा, ये तो चलो ओरिजिनल के जैसा ही मिल जाता, ठीक है। उसके बाद जो पीछे वाला है ना, मैंने ये भी चेंज करवाया था, इसमें भी अलग है भाई, मेरे को मिल गया था ये लाइन के साथ, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं नाम लिख दूंगा इसका, डीफोगर, हाँ डीफोगर वाला शीशा भी मेरे को मिल गया। तो भाई दूसरा जो सबसे तीसरा जो सबसे बड़ा इसका कमी वाला पॉइंट है, वो इसके भाई पार्ट्स, जो कि आपको इजीली ओरिजिनल वाले नहीं मिलते, बट जो नॉर्मली आपको फर्स्ट कॉपी बोलो या फिर कुछ भी बोलो वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई मैं दो इसकी और चीज़ें वो आपको मैं अंदर बैठ के बताता हूँ, ठीक है। बाद भाई जो चौथी जो कमी है ना, जो मैंने फेस करी, मैंने एक्सपीरियंस करी भाई इसका, जो ये डैशबोर्ड देख रहे हो ना, अब यहाँ से भाई अगर आप जजमेंट करोगे ना ड्राइवर का, तरह भाई आपको मतलब ये ही इतना उठा हुआ मिल जाएगा कि आपको भाई अगर न्यूली ड्राइवर हो तो आपको उतना भाई पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी किधर जा रही है, कहाँ इसको टर्न करना है, मोड़ना वगैरह, जो भी आप न्यू ड्राइवर को, तो उसको समझ में आएगा नहीं, जो एक्सपीरियंस है वो तो ईजिली चलो कर लेगा, बट इसका जो ये है ना डैशबोर्ड, एक तो ये ऊपर से ये थोड़ा उठा हुआ है, एंड जो आगे वाला उसका बोनट है ना वो भाई अंदर की साइड है, तो ये भाई इसका मेजर इशू है। विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, बाकी तो भाई जो एक्सपीरियंस है उनको तो हालांकि वो तो मैनेज कर लेते हैं, बट न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। एंड जो लास्ट चीज़ है भाई, मैं इसमें बात कर रहा था आरपीएम की, तो आरपीएम इसमें आप जब भी खींचोगे ना गाड़ी को, तब आपको इसमें भाई बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, आप सुन लेना। नॉइज़ भाई बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी कम हो सकती थी, बट इसमें भाई ज़्यादा नॉइज़ मिलते हैं आपको जब भी आप इस गाड़ी को खींचते हो। तो ऐसा कुछ था भाई अपना वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।